अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तोता को चेक करें जी, ये तोता इधर आया है। इतना पता चला जी, इनमें एक जोड़ा बना हुआ है। ये जो डोरियाँ ऊपर लगानी पड़ेंगी, डोरियाँ का रुख ऊपर करना पड़ेगा। इन्हें मल्टी वाइटामिन देने पड़ेंगे, साथ में मेथी साग काट के देना पड़ेगा, और जोड़ा जोड़ा अलग अलग जोड़ा करना पड़ेगा, फिर ज़्यादा प्रोडक्शन देते। तो ये ऐसे पॉइंट सामने आ रहे हैं कि जो फिलहाल मुझसे करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसी तरह रहेंगे जैसे हैं। हाँ, ये है कि वैसे पता चला है कि कामरान आज आ रहा है, मगर तो वो आके इन्हें संभाल लेना, तो फिर बाकायदा एक छोटा सा सेटअप बना देंगे उसे। ये आज तो मुश्किल ही लगता है। आलम पतलू साहब ने आना था जनाब, आ गए। हालत नहीं हमारा सी। अच्छा चलो, केक खड़काओ। हमजा किक लगाने लगे, हमजा ने किक लगा दी। सवेरे सवेरे फिरते हो पे कई लाइन चला जे दर्श बिच, वो तंदूर चेंज करना है। किसी ने कतल तो नहीं कर लगे? नहीं नहीं, अरे कतल करना जे कतल जेड़े होंदे ने ओ भी ला के ओ जेड़े पे जांदे ने उना हाथ ला के हो जांदे ने। कतल करना जे छुरा लो ना। हाल तो गड्डी दा टायर यार चेंज करवाना है, जिदे च चाबी नहीं वड़ गई टायर च। नवा ही पवा लो, फिर रिपेयर क्या करवा? नवा पवा लो, पता करो शहजाद की थे जी। चलो फाद ना रबता करो ना फिर। बाहर आग भी आ गया जी, क्योंकि रास्ते खुल गए। ये जो लेट आते ना, इन्होंने खिलाफ एक्शन करो जी। ठीक हो, ठीक है जी, ठीक। इन्होंने मैं नोटिस लवा देना, जो लेट आ गया उन्होंने वापस भेज देना। मतलब जो 5 मिनट लेट आ सकते हैं, तो 5 मिनट पहले नहीं आ सकते जी? जी बिल्कुल। क्यों बाबा जी, जो 5 मिनट लेट आता ठंड लग रही शामी फिर मैं खा लें। एडी जल्दी होती है। चलो ठीक है, के फड़े आज बंदा वड़न चले हो? ओ काम ही तो आया नहीं आज, नु काम ही आ रहा है, उस बह गया रेड़े पे, खोती रेड़ी पे बह के आ रहा है। फिर हालत पतलू साहब के गाड़ी के टायर का मसला हल करवाएं जी। पतलू साहब पहुंच चुके हैं। आज खुले होंगे हाल साहब, फिर कर करवा लो। ठीक है, हाँ ठीक, आई रेस्ट कर लो, छुट्टी दो रोटियां बाद खा लियो। किनिया खाने रोज? बस दो ही। अच्छा, दो पूरे मियां साहब ने जनाब नया नोटिस जारी किया जी। अगर मियां साहब ने पीटीआई डिस्पर्स कर दिता है, नवा नोटिस जारी कर रहे हैं।
ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਰਹਿਤਰ ਪੈਦਾ ਜਿਕਣ ਉਹ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਇੰਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭੂਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਮਰ ਪਾਓਗੇ ਆਜ ਕੇ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਮੇਂ ਜੀ ਬਤਹੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਤਹੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਅਗਰ ਹਮ ਮੁੰਜੀ ਕੀ ਚਾਵਲ ਕੀ ਫਸਲ ਮੇਂ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੀੜੇ ਬੜੇ ਖਾਤੇ ਹੈ स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान में भी ये काम होना चाहिए। इधर तो फैक्ट्री में जनाब स्प्रे हो रहा है। आईएसओ वाले आए हैं ना, रंग को नहीं करवाया, स्प्रे किए जा रहे हैं। अब तुम कितना इट्टा ढूंढे हो गए? नूर ना लगे। नूर तो पहले लगे है। नहीं ना वहाँ। अच्छा जी, बड़ी गाल है। हम फार्म के पीछे पहुंच गए जी। ये फार्म सामने, ये पीछे जहाँ पे गंदम काश की हुई है वहाँ पे पहुंच गए जी। वो सामने जैन पानी लगा रहे हैं। जैन तो पूरा जिम्मेदार बने है। कनक ठीक होगी माशाल्लाह, बड़ी सोहनी पे गंदम देखें। वो दो तीन क्यारे जरा स्लो ना वो ऊपर ना जी जी वो तो छां रहती है दम बस जी जी हो सकता है बूटे नहीं ना उधर माशाल्लाह बड़ी सोहनी है। अब इधर से पीछे से रास्ता फिलहाल बंद है जी, वरना इधर से चले जाना था। इसका हाल यही है कि उधर उतू दी फिर जी बिल्कुल। चलो चलो मारो किक फिर चलिए। मुस्तफा साहब आ रहे हैं जी इस्लामाबाद। आई हफ्जाबाद जवाब दे तो बंदा खाना लेन गया गया। चलो फिर तुम जाओ मैं गया तो तुम कह देंगे ठीक। टेपा लाई जा रहे हो ये हम ठीक ही रहे। चिट्टी टेप ला रहे हो दूजी ना तो घट में झोला पै जाता। ये मुड़ा नवा आया निशान का बन गया सर। निशान भी नवा या पुराने? निशान तकरीबन पुराना हो चुका है। किन्ना को पुराना जंग लग गया? किन्ना पुराना हो? इस सितंबर तक 3 महीने हो जाएंगे यार। वो जो केले रखे जे उन्होंने मेहनत सुनो मक्खियों बो आवे। माल्टा कौन कटिया बिचू? मैं चैट जीपीटी पूछा ना क्या माल्टे का कोई मसला नहीं है। चैट जीपीटी चलो अच्छी गल है। जदीद तहकीक तुसी कीती है मोगैम्बो खुश हुआ। यह भी बड़ी जदीद तहकीक है ना भाई। मक्खियों माल्टे की खुशबू ना कोई मसला नहीं है जी। लेकिन लारविया माल्टा खाने की प्रॉब्लम खान प्रॉब्लम जी। मक्खी माल्टे तो बहंदी भी नहीं जी जी। इंज गल अजीब गल है ना। ये तुम तहकीक की मंगैम्बो तो बनता खुश हो नवी चीज़ सामने आई। बड़िया चूरन पैक हो जा रहे हैं जी ताड़ा ताड़ भज के लै बना खाना तो इतने लाओ टेबल खाने रल के। अज चावल बने हुए फैक्ट्री में खाना लेने चले गए। वाह जी वाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह तुसी पूरे दुकानदार बन गए। ये जनाब काफी स्टोर रूम सेट हो गया। इस सारी प्रोडक्ट इधर आ गई मेडिसिन जितनी भी चीज़ें
एक एक कार्टन लगा दिया है उधर से लेके, अभी जैसे जैसे इसमें से एम्प्टी होता जाएगा तो फिर उसको रिफिल करते जाएंगे। और बाकी हमारे पास नीचे भी स्पेस काफी बच गई है, सारा भर दो वैसे करेंगे, दो दो कार्टन ले आते हैं दूसरे, सारा भर दो। फिलहाल यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें सागावान पाउडर है जी, स्प्रे पाउडर जो है जो मदर गेयर आयल, आयोमैक एस्टामिक पाउडर है जी, सुधान प्लस है जी, ये डिवर्मिंग के लिए, ये भी डिवर्मिंग के लिए है, एक्सटर्नल डिवर्मिंग, ये इंटरनल डिवर्मिंग, ये मीर आक्स वो जो डीप सॉल्यूशन होता है, थानो ठंड बोलते हैं जिसमें दूध निकालने के बाद, ये वो है जी सिक्योर। ये जो नई मेडिसिन है, चलिए अच्छा हुआ याद आ गया, इसको लॉन्च भी करना है, ये फिब्रोमी है जी, थानो वाले मेस्टाइसी साड़ी के लिए, ये पिकलाक्स है जी, पिकलाक्स पेचस के लिए, पेचस के लिए जी, ये जनाब हाजमे के लिए, कोलिजस फील होना है जनाब जख्मों के लिए स्प्रे है जी, प्रोबायोटिक आयल है जी, मिनरल्स है, स्टामिंग पाउडर, बोरिक एसिड, यानी कि काफ़ी सारी वरायटी यहाँ पे इन्होंने लगा दी है, अभी मजीद भी लगा रहे हैं जी। अदनान साहब हम कोटिंग सारी कर रहे हैं ना जी, कोटिंग प्रिंट करते हैं ना कोटिंग के सारे, लेकिन सॉफ्टवेयर से चार मसले हैं, एक तो एडिट नहीं करता, एक डिलीट नहीं करता, एक परसेंटेज नहीं दसता, उन्होंने दोबारा आख्या हम सॉफ्टवेयर चेंजिंग करके दे, एक बार तुम कोड ला दे रहे हो जी, कोड कटे ना, लेकिन वो कोड सिर्फ निकले ना, लेकिन बिल बनाना है, बिलिंग नहीं निकल सकती ना, कोडिंग ऐसा कटी है, तो ये तो हफ्ता डेढ़ हो गया है सॉफ्टवेयर आया थे जी, फाइनल ये हमने प्रिंट निकाले हैं सबके ना, लेकिन अगर प्रिंट निकाल के हम उसको बिल जब निकालते हैं तो बिल में ये चीज़ें मतलब उस बिल बिलिंग निकालने में मसला आ रहा है, तो लेट क्यों हो रहा है, जल्दी करवाएं, वो फैजान को मैंने दो तीन दफा बोला था, उसका असल बंदा एक्चुअली नवी आई है, नहीं पहले वाली, पहले वाली, चलो जल्दी से मुकाओ यार काम है, लेट नहीं करी दा काम, मुझे बताया ना आप लेट हो रहे, लेट नहीं होने देते काम, अपनी स्पीड जो है ना रखते हैं 72 किलोमीटर घोड़े की आ जाए स्पीड, हॉर्स पावर बन जाए। डॉक्टर साहब तो छुट्टी पे हैं जी, दो बच्चों को आज पता चला डायरिया हो गया, उनको चेक करते हैं बच्चों को, ये देखें आदत से मजबूर उधर ही लटकी हुई है, जिस बकरी का कल फैसला किया था कलिंग का जीवा होने का, मेरे हिसाब से वो अभी तक ये घूम रही है, ये तो इसको वैसे कलिंग कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी इसने रोज़ बरोज ना कमज़ोर होना है मुसलसल, नुकसान ही है ये कमज़ोर होना भी ना, बच्चों के पोर्शन में ये पर्दा आ गया है फिलहाल, क्योंकि इस साइड पे जो धूप है वो लेट आती है, दूसरी साइड पे धूप टाइम से आ जाती है, ये अभी धूप यहाँ पे लेट है, दिन के कोई एक तो बजने वाला है, दूसरी साइड पे धूप टाइम से आ जाती है, जनता खाने पीने में मशहूर है, दो को डायरिया था सुबह, अब उनकी सूरत हाल पता नहीं क्या है, इस साइड पे देखा ना, ये सुबह धूप पहले टाइम आ जाती है, इधर ये बैठ के यहाँ पर है, अब पता नहीं कब से बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, दो ये पड़े हुए हैं, पर्दे के पीछे भी फिलहाल कोई नहीं, मतलब यहाँ पे भी नीचे एक घास डाल दिया गया, अब ये यहाँ से बाहर आ जाते हैं ना इस साइड पे सुबह, और दिन के 2 बजे तकरीबन उधर धूप आ जाती है, फिर उस साइड वाला खोल देंगे, उधर चले जाएंगे, मतलब तो ये काम बेहतर हो गया है, इस तरह ये है कि नहीं अब धूप मिलेगी,
तो इनकी सर्दी जो है रात को वो कंट्रोल हो जाएगी। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ इनकी एक छुरली जो है ना इधर बाहर लगवा दिया करे धूप में, ताकि ये रहे ही धूप में ना, तो इधर धूप ख़त्म हो तो इन्हें परे ले जाया करें। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये जो है ना बीच में मट्टी हटा देते हैं ना, वहाँ पे मट्टी नहीं की जा रही। मुस्तफा साहब से कहते हैं कि रोज़ाना ना इनकी घास को सेट किया जाए ताकि नीचे से मट्टी नज़र ना आए, क्योंकि तो मट्टी नज़र आई तो इन्होंने फिर खानी है मट्टी और फिर डायरिया हो जाना है। अब मुस्तफा साहब ने दूसरी साइड से भी तिरपाल खोल दिया है, दरवाज़ा खोल देंगे। ये देखा एक तो बागा बाजार है, एक को चीची आ गई, ये डायरिया वाला खड़ा सामने, डायरिया तो इसे बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है। ये देखें एक बज चुका है, काफ़ी हद तक यहाँ पे भी धूप आ चुकी। मुस्तफा साहब तो दूसरी साइड पे ना घा थोड़ा भरा होता है, थोड़ा मिट्टी निकल आती। अच्छा उस साइड थोड़ा घा घट है वैसे भी है, हाँ वो पवा दो तो सुबह तो शाम दो टाइम ना इन्होंने जरा सही कर दिता ताकि मिट्टी ना निकले, निकले खान दे बराबर कर। अदनान साहब ने खाना लगा दिया, कसाई को नहीं जाया आज? नहीं सर जी। क्यों? जैन गया से पता करन, दो त्रै चेला तो पता करके आया, आज असल जुम्मा ना वो वही बिजी थी। चलो फिर शुरू करो। और जनाब यार पानी नहीं खाने ना अच्छा होता, बुढ़ारा आ गया होने से पता, कई साल हो गए ने छोड़ दिए इन्हें। मुस्तफा साहब चुक दो बस, ये शादी तुसी ले लो, मैं ले लूंगा बस, तुसी बोटियां बोटियां तुसी पा लो। हाँ जी मलेरिया वाल होया है। मलेरिया हो गया आज? नहीं अच्छा अच्छा चलो आ जाओ खाना खा लो। अच्छा तो क्या अदनान साहब ने जनाब गीत तैयार किया, ठीक बन गया। बेटे अंदर ही असिस्टेंट साहब जनाब जायजा ले रहे हैं वार्डों का। वाड़े के अंदर घुस चुके हैं जी, नमोनिया हो गया था। आज यहाँ पे खरगोश बड़े मुतरक नज़र आ रहे हैं। हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये जब माहौल ठीक हो ना फिर ये सही मुतरक होते हैं। ये ऊपर घूम रहा है, आफ्ताब नज़र नहीं आ रहा, खरगोश ऊपर घूम रहा है। हेलो मिस्टर बनी, ऊपर क्यों घूम रहे हो? बनी हो अक्सर होता ही है कि कोई जानवर जब तनाव में हो या कोई डिस्टर्ब हो किसी लिहाज से तो उसको बाज़ ना पिंजरे के ऊपर रख देते हैं या बाज़ नीचे छोड़ देते हैं ज़मीन पे, तो वो जो एक जगह पर रह रहा है कि ना वो जो उसका डिस्टर्बेंस होती है वो जब नए माहौल में आता है ना तो थोड़ा सा ना वो फिर रिलैक्स होता है, भागता दौड़ता है नए माहौल में, बाजू का नीचे खाना पानी रख के ना तो उसको नीचे आज़ाद कर देते हैं, वो एक दो चार दिन तक नीचे रहता है और इस तरह माहौल बदलता है तो बाजू का ये इनमें बेहतरी आ जाती है। लेकिन अब ये पता नहीं क्यों ऊपर घूम रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कि एक ऐसा खरगोश भी यहाँ पे है जो खुद ही बाहर निकल आता है ना, उसकी तो यही हो। और दूसरी साइड पर तो लगता है काम ख़राब है, ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे दो डेड बॉडियाँ पड़ी हैं बच्चों की। चले जाए चल के देखते हैं
आजकल तो माहौल भी बड़ा, इन्वायरमेंट अच्छा है, बड़ा मौसम अच्छा है। आजकल जो शरा मवाद है ना, ये असूली तौर पे तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये दो डेड बॉडियाँ पड़ी हैं यहाँ पे। ये अभी देखा, इनकी वजह क्या बनी होगी ये आफ्ताब ही बताएगा। आफ्ताब यहाँ पे मौजूद नहीं है। बहरहाल इधर नेवले भी बड़े हैं, चूहे भी बड़े हैं, वो इना के गेम डाल रहे हम। बहरहाल आफ्ताब से पूछते हैं आदर, अब इनका इस्तेमाल क्या करना है। इनमें से गोश्त निकल सकता है दोनों में, ये कुत्तों के इस्तेमाल आ सकते हैं। ये लारवे तो वैसे ही मारे, अभी मक्खियाँ बन गई हैं उनकी ना, अभी लार्वे तो पैदा आ गए होंगे ना, फिर अंडे आएंगे, फिर उनमें से लार्वे निकलेंगे। इन्होंने जो बकरी जबा करनी है, मैंने कहा इसकी भी वो आलाइशें हैं, वो बाहर नहीं फेंकनी, आंदरें वो जड़ियाँ सारी चीज़ें ना, तो वो आप बचा के रखें, फ्रीजर में रख दें। और उम्मीद है कि लार्वे तो हर चीज़ खा लेते हैं, उम्मीद वाली क्या बात है। इधर देखें, बड़ा सीन बना हुआ है, ये देखें। माँ के साथ रश लगा हुआ है। कल यहाँ से लूसन लोड हुआ है और ये रास्ते में गंद उसी तरह छोड़ के चले गए। मुस्तफा साहब को अगर आप ब्लॉग देखते हैं तो ये ज़रा चीज़ें कंट्रोल किया करें ना, ये देखें इधर ही गंद डाला हुआ है सारा, इसको समेटना तो चाहिए। बकरे जनाब रेस्ट कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। इसके पेशाब बंद है, इसको करीब जाके देखते हैं, लेकिन बेहतर महसूस हो रहा है। तो कुत्ता भौंकने वाली मशीन शुरू है। ये मशीन शुरू हो जाए ना बाज़ का, कहीं कई मिनट ये रुकते ही नहीं। फिर देखा जी, दुम शुम मिला रहा है, अब काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। गर्दन का हाम भी काफ़ी हद तक निकला हुआ है, देखें। ये एक्टिव है। अब डॉक्टर साहब कहते हैं जी मैं आऊँगा, अभी इसके टांके खोलूँगा, टांके खोल के फिर इनके साथ इधर छोड़ेंगे। हाँ, ये भोंक भाग के जैकी तो रेस्ट कर रहा है। फतो आई है, भोंक भाग के आ गई। फतो कहाँ गई थी? लो फतो को फिर ड्यूटी याद आ गई, ड्यूटी खोलिए बड़े। एप्पल जो है ना, ये ऑपरेट हुआ है ना मोबाइल, इसे पास की ऑप्शन आ गई है वीडियो बनाने में, पहले नहीं थी। अब ये जो टुकड़ा है ना, ये पास करके दोबारा स्टार्ट किया तो शुरू हो गया। ये एक अच्छी चीज़ है, पहले जब आप वीडियो काटनी पड़ती थी आपको, अब ये पास वाला ऑप्शन आ गया, अपडेट हो गया ना। अजोला जान डेडू साहब बैठे हुए हैं अजोले पे। चलें जी, पाज ऑप्शन को दोबारा एक्टिव करते हैं जी। मक्खियों के पिंजरे में आ गए, मक्खियों का काफ़ी रश है जी, मक्खियाँ काफ़ी निकल रही हैं। मसला ये है कि आज अदनान साहब ने पर्दा परे नहीं किया, मेरी रोशनी कम है, इतनी रोशनी में ये एक्टिव होकर मीटिंग नहीं करेंगी, वो फिर अंडे काम आने हैं, फिर प्रोग्राम ख़राब होगा। ये काम बड़ा ख़राब है। चलें अदनान साहब से कहते हैं कि पर्दे परा कर दे। अदनान साहब भूल गए ने मक्खियाँ का पर्दा परा कर, कितनी गलत गल है।
ਇਧਰ ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਨੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਅਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ अब ब्लैक सोल्जर जो मक्खी है इसका सारी लाइफ ही 5-8 दिन है, तो तीसरे दिन ये अंडे देने शुरू कर देती है तकरीबन। अगर लाइट पूरी ना मिले तो ये मेट ही नहीं करती, मेट ना करें तो अंडे ही नहीं देती। तो इस तरह तो फिर इनकी वैसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है अंडे देने से पहले ही अगर लाइट ना देगी। ये तो एक ब्लंडर हो रहा है बहुत बड़ा, अंडे इन्हें बहुत कम मिलने हैं। कल भी पर्दा पोषण किया तो परसों ही अज सुबह नहीं किया, डिस्कस ये करना कि उधर टेंपरेचर काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, जस्ट एक घंटा सुबह लाइट दे सूरज उधर है तो पीछे हो जाता है, तो बिल्कुल छाँ हो जाती है। उसका तरीका है ना कि लाइट इनक्रीज कर ली बल्ब भी तो ला ली हो रहा है। देखो तुम फिर टेंपरेचर बढ़ाना भी तो पैना है ना, अगर तुम अंदर बल्ब लाते हो अंदर भी तो तुम टेंपरेचर डाउन हो जाएगा। सुबह जिस टाइम करी ना तो कल वाह काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह ना जम किया है, तो वो दसती टेंपरेचर 24-17-18 तो आ गए, तो परदे एक भी इशू आ रहा है शामी, चलो परदा कर दे शामी तो ठीक है, लेकिन अगर सुबह करिए ना तो सूरज हूँ तुम्हें पता है जरा थले क्रॉस होकर जाता उतो नहीं आता, तो दरख्त के सामने दरख्त की वजह तो रोशनी कोई नहीं आती इन्नी। इसका क्या हाल सोच रहे मैं ये सोचा वा बल्ब एक दो और ला दी उ तो लाया क्यों नहीं सुबह का दसो तुम्हें तो पता सिर्फ 8 दिहाड़े जिंदगी है, अज किन्नवे दिहाड़े 4th दिहाड़ा होना है ना, 10 मिनट सारी हुई हैं, मेट कोई नहीं कर रही, मेट नहीं करे तो अंडे होना के देने हूँ, फुल जवानी थे इस टाइम, कल उन्होंने बुढ़ापे की स्टेज दाखिल हो जाए, इन्हों का लाइफ साइकिल बहुत शार्ट, सोची जाते नहीं ना यार। बल्ब लाओ फुल रोशनी करो इन्हों, बल्कि ट्यूब लाइटा ढूंढ के वो लाओ, हाँ वरना इन्हों बाहर चुक के धरो धुप्पे धार दो, इन्हें तुम हरारत से रोशनी देनी है तो इन्होंने मेट करना, वरना तुम अंडे कौन लगने टाइम थोड़े को कोई नहीं। विजिट विजिट तुम किए जी कमाल विजिट, और फिर बड़ी हौसला अफजाई की तुम जाके हर आजड़ी तक पहुंचे हो, और मेरा ख्याल सिर्फ पहुंचे नहीं हो खजल खराब भी बड़ी हो। खजल खराबी तो जी पहली शर्त होती है कामयाबी, मतलब एक ना इश्क की बात होती है। हाँ हाँ जी सही गल, तुहानू ना मेरा जेड़ा सेंस है ना उसने यही तसव्वुर किया कि तुहानू इस दे विच ना इश्क है, और इश्क इस इश्क नू तुसी बड़ा मतलब अपना ना ओढ़ना बिछोड़ना बनाया, बहुत कुछ छोड़ के तो बहुत कुछ पाया। कहते ना बाकी ना रहे साख अदा दश्ते जिनू की, हाँ जी दिल में अगर अंदेशा है अंजाम ही आए, हाँ जी ऐसा आप बने आप जा जा। नहीं 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 माशाल्लाह बड़ा बड़ा कुछ किया शाह साहब जनाब, मंडी बावलदीन से तशरीफ लाया जी, हमारे बड़े डिंगे थे कबो थे डिंगे तू, हाँ जी हाँ चे डिंगा डिंगा नाल बाजार आए आए तो उसे पास में, हाँ ये नाल देखने आए थे टीवी चाहते किधर फिर धुप्पे शादी से जा रहे हैं। अच्छा जी बटन तो बंद कर लो उतरे लो जल्दी जल्दी पीछे वाल दिस देने पे बंदे ने रोटी खाने दिल नहीं करता सामने जो बैठे यार लो। नहीं मेहमान तो गए, आज आफ्ताब छुट्टी भी है ना जी, तो मुझे पहले ही पता था कि लापरवाही होनी है, ये दो बच्चे मरे हैं ना मुझे शक पड़ता है पानी की कमी से मरे होंगे, मुस्तफा साहब से पूछते हैं। मुस्तफा साहब जो दो बच्चे मरे ने उन्होंने पिंजरे पानी आया सी पूरा जी पक्की गल है, बच्चे उन्होंने पानी आया सी ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਦਿਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਆਓ ਕਰ ਕੇ ਆਓ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ असर इसमें जो आफ्ताब है ना वो बड़ा ज़िम्मेदार आदमी
तो बाकी तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इधर हमारे मुल्क में जो काम जो कर रहा होता है ना, कहता है बस मैं वही करूँ और मुझे ना करना पड़े, ठीक है। हमारे पास जो कुत्ती है ना जी, ये बच्चे नहीं देती। हमारा एक दोस्त है भाट साहब मीरपुर से, मैंने उन्हें कहा है कि कुत्ती चेंज करवा दें किसी से, कहते हैं वीडियो भेजें, मैं जुगाड़ लगाता हूँ। अरे चेंज होना है, कोई नहीं इसने नहीं होना। हूँ तो पूरे साइज का पैलेट खा लेंगे। हाँ जी माशा खा लेंगे। अब तो ये पूरे साइज का जो पैलेट है ये भी खा लेते हैं, ये बड़ा साइज है। यह रेशमा जवान हो गई। कैसे खा रहे हैं, कंपटीशन में खा रहे हैं। अब ये जो सही है डल फीड है ना, उस पर लागे हैं। अब हम इन्हें को मैश बन डाले, इस तरह की चीज़ नहीं डालते, ठीक है। अब ये बकायदा तौर पे ना लूसन हो रही है, बड़े साइज की गोली खाने लग पड़े हैं। भागम दौड़ बता रही है कि ये वनडे का टाइम है, वनडे के टाइम पे तो ये देखा ना, नहीं पागल जानवर हो जाते हैं। भाजड़ पई बहुत ज़्यादा, हट्टी कट्टी मोटी ताज़ी पट्ठे। ये देखें बॉडी स्कोर तो 5-5 पे पहुंच रहा है, लेकिन अभी ग्रोथ में कोई नहीं मसला इनका। मोबाइल की तो आज बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो गाड़ी में बैठ के अभी चार्जिंग पे लगाया जी, गाड़ी ऑन किया तो मोबाइल ऑन हुआ है। शाम हो गई है यहाँ पे, फार्म के तो पर्दे जो है ना ये क्लोज़ किए जा रहे हैं, ठंड बड़ी हो गई है अब ना रात को, लेकिन दिन का मौसम ठीक होता है। शाम होगी जी बिलाहर, अब यहाँ से कोई फरार के बारे में ही सोचते हैं कुछ। यहाँ पे भी क्लोजिंग हो गई है जी, पर्दे सारे बंद हो गए। बच्चा पार्टी जम के खा रही है। कैसी महलूक है ये बकरियां, यकीन करें खाती रहती, मुंह चलता ही रहता। ये देखें खा रही हैं, ये देखें खा रही हैं, वो देखें खा रही हैं, वो देखें खा रही हैं। तो कहते हैं ना जिस तरफ देखी है आने को है आने वाला, इधर यही हालत बनी हुई है, हर खाने वाला यहाँ पे खा ही जा रहा है बस।
लाइट का मुंह नीचे हो गया है। ठीक है, लूसन कुछ मजीद जनाब स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए जगह खुली कर रहे हैं। ये वाली ये पार्टीशन जो है ना, इधर से ये जाली जो है ना वो उधर चली जाएगी, बकरों की जगह थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये है कि ये फिर सारी सारा एरिया लूसन स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ जो खरगोशों वाला शेड है यहाँ पे भी कुछ लूसन स्टोर हो जाएगा इस जगह पे। ये यहाँ से गैराज ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ें उठा देंगे सारी, और कोई दो चार गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाएंगी, कुछ उधर आ जाएंगी, तो फिर हमारे पास वाफर मकदार में ये लूसन और सारी राग स्टोर हो जाएगी। नहीं फिर रात हो गई है, यहाँ से तो होते हैं फरार, ठंड भी होना शुरू हो गई है। तो जी शादी पे गए हुए थे, वापस आ गए हैं जी। अब तक मुझे ना कोई मेरा राजदान मिला, जो भी मिला असीरे जमानो मकान मिला। साढ़े चार जाके जनाब घी त्याग किया जी अदनान साहब, बकरे फिर जनाब थोड़े से महदूद हो गए, ये जगह खाली हो गई। ये जगह मिलेगी ना अब लूसन को, बकरे बकरा पाली इधर पहले इनके पास एरिया काफ़ी खुला था, अब थोड़ा एरिया कम हो गया, लेकिन ठीक है, ये देखें इतना कम एरिया नहीं है, गुजारा इनका अच्छा हो सकता है। पेनु का दी सजा दें दे वे ए डायरिया लगाया है, डायरिया लगा। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा स्कूल नहीं जाता प्यार, कहाँ टीका लाया है ए स्कूल ना जान, टीका लाइए फिर सारी जिंदगी की छुट्टी नहीं करते। आज की अपडेट्स ये हैं कि दो खरगोश के बच्चे मारे गए हैं, आफ्ताब आज छुट्टी पे है जी, और दो बच्चों को डायरिया, डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं। ये काम इसी तरह चलते हैं, जब बड़ी बतहें कैद की हैं छोटियों के साथ, छोटियों को मारती हैं, अब उन्हें सेपरेट करना है जी। और शेड के अंदर जो है ना अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो हीट पैदा करने के लिए ना आग जलाने का कोई निज़ाम बनाना है, और बकरियों को इस साल हीटर वाला गीजर वाला गर्म पानी देने के लिए कनेक्शन सेट करवाने हैं। ये थी जनाब आज की मोटी मोटी अपडेट, तो अभी जनाब हम करते हैं आराम, सुबह की मुलाकात, अल्लाह हाफिज़। बड़ी बात है कि आज तो बाहर निकल के मैदान में खा रहे, काफ़ी सारी इस्तलाहात लोगों ने दी हैं, इसका नाम भी नहीं पता चल गया, इसे कॉक टेल कहते हैं, मेरे घर दुनिया में इनके बारे में भी बताया गया, इनके बारे में बताया गया, इनको ब्रेड अंडा दें और पालक कैल्शियम ब्लॉक मिलते हैं वो दें, और डोलियाँ उतार दें, तीसरे महीने में डोलियाँ लगाएं, सिंगल पेड़ लगाएं, तो बच्चे आते हैं मालूम काफ़ी मिलेंगे।
लेकिन अपना काम नहीं है, मुझे ये शोर बहुत करते हैं, मुझे शोर के अंदर जानवर की पसंद। ये शायद साग कहते हैं या पालक कहते हैं इसे, पता नहीं क्या। ये अजैन दे गया, उधर लगाई हुई है सब्जी फार्म पे, ये तैयार हो गई है, तो ये शायद डालते हैं इन्हें, मुझे इसका इलम तो कोई नहीं है, लेकिन क्या नहीं ये इसमें ये डाल देते हैं इनको। ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये बस ऐसे फड़फड़ाते हैं, भागते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत अब इनको साग डाल दिए, पता नहीं पालक है या सुबह चेक करेंगे खाते हैं कि नहीं खाते। ये देखा ये नीचे जा के ना चेक करने का सोच रहे हैं, ये हाँ इसने तो खानी शुरू कर दी है पालक। ये देखा ये अंडे देगा, ये लाल अंडे देगा। किचन में आप चेक करते हैं क्या क्या बना हुआ है। मैंने अब तैयार कर लिया कि रात को खा के कुछ नहीं सोना, वरना ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है ना। वाह भिंडी बनी हुई है जी, भिंडी बड़ी मज़ेदार बनी हुई है, इसमें देखते हैं जी। वाह इसमें तो है मटर कीमा आलू, वाह वाह खाने तो आज अच्छे हैं पर खा के बीमार होने वाली बात है, खा के सोच ना होता है। आज के खाने में वही सेब अनार और ये माचा बना लेते हैं साथ, रनिंग करते हैं जी, फिर करते हैं आराम। कल हमने मूवी देखी थी जी टीयर्स ऑफ द सन, पुरानी मूवी थी लेकिन बहुत अच्छी थी, आज भी कोई नहीं देखेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।